गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही मेकओवर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक हेयर कट बताना चाहूँगी। आप लोग बेसिक जो हेयर कट है करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। किसी किसी को ऐसा भी है कि गाइड्स नहीं पता होता है, गाइडलाइंस नहीं पता होता है, तो उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। फिलहाल मैं अपने जो अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ, मेरी स्टूडेंट ही हेयर कट कर रही है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें किस टाइप से हमें एक परफेक्ट हेयर कट करना होता है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं यू हेयर कट, नॉर्मल जो बेसिक हेयर कट होता है, जिसकी बिगनिंग होती है। कभी भी अगर आपको करना है किसी का हेयर कट, तो कोई भी आप एडवांस हेयर स्टाइल में जाते हैं तो सबसे पहले हम लेंथ को डिसाइड करते हैं, तो वो हम यू कट से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, क्लाइंट का हेड वॉश किया गया है। हेड वॉश के बाद बहुत अच्छे से कॉम करके, और आप देख रहे होंगे बैक साइड एरिया में पहले आपको फोर सेक्शन में हेयर डिवाइड कर लीजिए। अगर कम बाल हैं तो आप दो सेक्शन में भी काम बड़े आराम से कर सकते हैं। फ्रंट के देखिए, आप दो सेक्शन किए हुए, बैक साइड के सिंगल। अब जो सेंटर ऑफ द हेयर है, वहाँ से आप इन्होंने आप देखा आपने कि एक गाइडलाइन क्रिएट किया है, जिस गाइडलाइन को ये दोनों साइड फॉलो करेंगी और उससे बालों को मिक्स कर देंगी। तो आप देखिए, इस तरह से सेक्शनिंग करके पतला सा एक आपको सेंटर में एक गाइडलाइन लेनी है। सीजर की रनिंग भी आप ध्यान दीजिएगा किस टाइप से कटिंग किया जाता है। मेरे स्टूडेंट ने बहुत नियर बाय से बिल्कुल फोकस करके वीडियो में डाला है। तो बैक साइड के जो हमने गाइडलाइन लिया था, उससे हम सारे बालों को, सारे हेयर को मर्ज कर देंगे जैसा कि आपने देखा, और उसी को ही रनिंग हम फ्रंट तक ले जाएंगे। ये एक बेसिक हेयर कट है, बस इसमें एंगल्स का हमको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री पे ही कट होना चाहिए। और परफेक्ट कॉम कैसे यूज़ करना है, इसको भी एक बार बताऊंगी मैं आपको कि कटिंग में जो हेयर कॉम यूज़ होता है उसका क्या वैल्यू है, किस टाइप से यूज़ किया जाता है, और आपको सेलेक्शन कैसे करना है कटिंग में। ऐसा नहीं होता कोई सा भी कॉम आप कटिंग में यूज़ कर लो, बहुत सारे पर्पस होते हैं। तो उसका भी मैं एक बार अलग से ट्यूटोरियल डालूंगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि एक परफेक्शन के लिए हर चीज़, सारे टूल्स हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, इस साइड से उन्होंने पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 0 डिग्री के एंगल में काटा है। और खैर, कभी भी आप हेयर कट करते हैं तो क्लाइंट को ऐसे कभी मत छोड़ना, बहुत परफेक्ट हेयर ड्राई करना है, क्योंकि हेयर ड्राइंग के बाद भी हमें थोड़ा सा एक बार रीचेक ज़रूर करना होता है कि हमारा कटिंग जो है वो परफेक्ट है कि नहीं है, और अपने एक वर्क को बिल्कुल परफेक्ट करके ही छोड़ना चाहिए। तो यहाँ हम करेंगे बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई। मेरी स्टूडेंट जो मुझसे सीख रही हैं, इनको ये बेसिक हेयर कट बताया था, आगे भी इन्होंने बहुत सारे हेयर कट सीख लिए हैं, लेकिन काफ़ी दिन पहले ये वीडियो बना था और मैंने सोचा आप लोगों को भी कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊं जिसमें आप हेयर कट करते भी होंगे लेकिन कुछ कुछ गाइडलाइंस का हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हम करेंगे परफेक्ट ब्लो ड्राई। अब ब्लो ड्राई कैसे रन करना है, अगर आप लोगों को इस पर भी वीडियो चाहिए तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी किस टाइप से एक परफेक्ट ब्लो ड्राई करना है। और यहाँ पे जब आप कंप्लीट ब्लो ड्राई कर लेंगे तो आपका जो हेयर कट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और लुक आगे आप देखेंगे कुछ किस तरह का लुक आता है। तो मैं तो बस एक ही बात पे फोकस करूंगी कि जब भी आप अपना काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी फोकस होना चाहिए फिनिशिंग पे, कि फिनिशिंग हमारी बहुत अच्छी आए ताकि आपके क्लाइंट को आपका काम भी पसंद आए और आप खुद भी सेटिस्फाइड हो। तो इस तरह से देखिए, ये ब्लो ड्राई के बाद आप देखिए फिनिशिंग, और यस, ये स्टूडेंट वर्क है। तो आगे ऐसे ही जुड़े रहिए और देखिए वीडियो में।